करिएगा, देखिएगा कि इसमें जड़ों का कितना लंबा जाल है और उसमें जो आज तक जैसा जड़ हुआ वैसा ही होता है। जड़ को बताया। दूसरा क्या है, जड़ ठोस रहा तो जमीन से सब सूक्ष्म पोषक तत्व लिया। ये फिर क्या करता है कि आपके पौधे में रोग से लड़ने की ताकत को अपना पावर बढ़ाता है, रोग से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। कोरोना का समय आया, लोग कड़ाह पीने लगा, छाली खाने लगा, डर से छेना खाने लगा। क्यों? क्योंकि अगर शरीर में रोग से लड़ने की ताकत नहीं रहेगी, कोरोना दावेगा 10 लाख मिलेगा, केला खत्म, जमींदार ट्रैक्टर घोड़ा सब नहीं रखा रहेगा। तो आपके खेत को जो है रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा कौन करेगा? अपना पावर, अपना पावर डालिएगा। रैचा में मतलब इतना दूर छोड़ कर आई ऊपर में एक बीता कंगड़ा बीमारी पकड़ लेता है, मुड़ जाता है, काला होने लगता है, उजला दाग लग जाता है। आप बाबा आप 5 कट्ठा में इसको 1 किलो डालिएगा, पूरे खेत में नहीं डालिएगा। अगर आपके गोट के हम दावा से इसलिए बोलते हैं, आज 2 साल से हमारा ये अपना पावर चल रहा है, हम पहले नहीं बोलते क्योंकि हमने भी नहीं देखा, हम बेचे सिर्फ, लेकिन आज इधर 1 साल से हम इसको जाते हैं तो इसी तरह कस के बोलते हैं कि आप डालिए सरसों में। आप अगर हमको फोन नहीं किए, हमारे साहब को फोन नहीं किए और दीपक जी की ऑनलाइन नहीं लगा दिए, दिलीप जी की, तो बोलिएगा आपके सरसों में एक भी, देखिए ये कोई कीटनाशक नहीं है कि आपके कीड़ा, लेकिन ये आपके जड़ को इतना तंदुरुस्त कर देता है, आपके पौधे को इतना मजबूत कर देता है, रोग से लड़ने की इतना क्षमता बढ़ा देता है कि कीटाणु इस पे जाने से 100 बार सोचता है कि जाएंगे तो मेरा क्या होगा। बेटा बलिष्ठ रहते दियार को दिया घुसते बस वही चीज है, बजारता है उसको, सटेगा ही नहीं। तो आप अपना पावर को डालिए। अच्छा वो बीमारी है अलग टाइप का, जड़ भी अच्छा है, आप ठीक भी आ जाए, बीच जब जाता है बीच, आप डालिए, आप डाल के देखिए, ऐसा नहीं है कि एक बार में अजय हो जाएगा। बीच में डालने चाहिए, जड़ मजबूत रह जाए, जड़ मजबूत हो गया और नीचे से पौधा मजबूत हो गया। किसान के सारे साल से चढ़ा करे। अच्छा अब एक और बात है, अगर आपके मान लीजिए कि आपको लगता है कि सर मुझे नहीं, आपसे दवाई नहीं जाने, फिर कहते खाली अपने पास बता दो, मैं दवा भी बताता हूँ। अगर उस तरह की रोग आपके पौधे में लगती है तो आप लोग कार्बेंडाजिम मेनको जेब, उससे लोग बीज उपचार भी करता है, पाउच में मिलेगा, या आपको साफ नाम से आता है यूपीएल कंपनी का, आप उसको ले आइए। उसका उस रोग के लगने से पहले आप छिड़काव, जब आपको अंदाजा हो जाए कि अब वो रोग लगेगा तो आप उससे पहले स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि बीमारी जब धर लेगा तो आईसीयू में डाल देगा डॉक्टर 50,000 से। तो आईसीयू में जाने से पहले जखनी मता तो पहले वो टेबलेट लेकर खा लीजिए, केला खत्म, आपको लगे कि अब वो रोग लगने का टाइम आ गया है, आप उसी समय उसका स्प्रे कर दीजिए, वो आपको नहीं लगेगा। वो फंगस वो मतलब उसमें फंगिसाइड से स्प्रे कर दिए काम करता है। आप भरोसा रखिए, आप सरसों में डालिए इसको, हमको नहीं लगता कि नौबत ऐसा आएगा। मक्का में, गेहूं में, धान में, आप धान में डालिएगा, अभी गेहूं में डालिएगा, आज तक आपको जितना उसमें क्या बोलते जो कल्ला निकलता है, क्या कहते हैं तना जो निकलता है उसमें, गबड़ी क्या बोलते हैं आप? हाँ नहीं, धान में जो निकलता है हम लोग उसको टीलर कहते हैं, कल्ला कहते हैं। कितना कितना पौधा रोकते हैं 10 को उसमें झाड़ बांधता है। हाँ बयान जो करता है आपको, अगर 10 को आता था आज तक 1947 देश का आजाद, आप अपना पावर डालिएगा, अगर 1.5 गुना नहीं आया तो कहिएगा, गिनते गिनते थक जाइएगा। फिर गेहूं में भी वही बात है, उखाड़िएगा तो जड़ को उखाड़ नहीं पाइएगा। अभी देखिए, अभी बारिश हुई है, बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई, सामान्य बारिश हुई है। जो जमीन में अपना पावर किसान डाला है निश्चिंत है, उसको पता है इसकी क्या ताकत है। लगभग मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आपके धान में या गेहूं में डला है, आंधी तूफान आई, बारिश हुई बहुत, अगर तेज आई तो घर उड़ जाता है, उसकी कोई बात नहीं। सामान्य आंधी तूफान में जैसे गिर जाता है, अभी बहुतों का धान गिर गया, अपना पावर डालिए, आपके गेहूं को गिरने नहीं देगा, कहेगा क्यों कि क्या है शक्तिशाली पावर डालिए, इसलिए है कि ये आपके तने को मजबूती प्रदान करता है, डाल दिए हमें जड़ को मजबूत किए हो रहा था। जड़ी में डालिए, ऊपर में भी डालिएगा, ऊपर में भी डाल सकते हैं। पहला देखिए, अगर जो आदमी तरी में नहीं डाल पाए, ठीक है,
तो वो क्या कीजिएगा, जब पहली बार यूरिया का छिड़काव कीजिएगा या डीएपी या जो पानी उसमें मिला के आप छिड़िए, तो लेकिन जमीन में डालिएगा तो 100% 100% में 6 किलो डालिएगा, बाकी सब फसल में 4 किलो डाल दी। दवाई पावर तो मिलते कम ना, पावर में कोई दवाई नहीं मिलती, वो बेकार मात्रा से लोगों को मिला देता है।